स्कूली बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए एनसीटीआर सोलन के सौजन्य से लोक नृत्य और लोक नाटक की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बाल स्कूल हमीरपुर में किया गया। प्रतियोगिता में जिला भर के 17 स्कूलों के नौनिहाल हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रतियोगिता में बच्चों ने नाटकों व लोक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में हिमाचल की संस्कृति को बखूबी दिखाया गया। कार्यक्रम में विजेता टीमों को नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल शिक्षा विभाग और एनसीटीआर सोलन के सौजन्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो इस तरह के कार्यक्रम करना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताया जा सकता है, जिससे वह आगे चलकर संजोए रख सकते हैं। इसमें लगभग 17 स्कूलों की जो टीमें हैं वो भाग ले रही हैं। फोक डांस, इसको हम लोक नृत्य कहते हैं, जहां सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, सभ्यता है, बहुत ही पुरातन है, बहुत ही पुरानी है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो वेशभूषा है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर होती है। चाहे वो कुल्लू की नाटियाँ हों, चंबा के गीत हों, या हमारे कांगड़ा की कांगड़ी बोली हो, या फिर हमारे शिमला की बात हो, वैसे ही हमीरपुर की भी बहुत सी जो बोलियाँ हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। हमीरपुर के जो लोकगीत हैं जगह जगह गाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इस संस्कृति को और सभ्यता को अगर हमने जिंदा रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे इसके बारे में जानें, तो इस प्रकार के स्कूल लेवल पर कम्पिटिशन और जिला स्तर पर कम्पिटिशन को एक अनिवार्य बनाया गया है, ताकि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में जानें, हमारे लोकगीतों के बारे में उनको पता चले और हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा के बारे में पता चले। इसीलिए सभी जिलों के अंदर इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जा रही हैं, चाहे उसमें SCERT के उसमें हेल्प कर रही है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है, कुछ हमने थीम रखे गए थे, थीम था हमारा कि पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर बच्चे जो हैं अपनी लोकल भाषा में कि वृक्ष लगाए हमने, पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, पर्यावरण को बचाने, इस प्रकार का लोकगीत तैयार करके ये रुझान पैदा कर रहे हैं, आकर्षण पैदा कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर जो पेड़ों की महत्ता उसको पता चले और वो पेड़ लगाते रहें और हमारा जो पर्यावरण है स्वच्छ और सुथरा बनता रहे। तो इस प्रकार के मैं समझता हूँ लोकगीत के माध्यम से अगर हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में अपनी चीज़ें रखते हैं, एक तो हमारी ये सभ्यता जो पुरानी सभ्यता है इसके बच्चे भाग बनेंगे और लोगों को जागरूक भी कर सकेंगे। इसी सिलसिले में जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी, किशोर अवस्था में जो हमारे बच्चे हैं 13 से 17 वर्ष के बीच में, उनमें एक बड़ी बड़ी फिजिकल चेंज आती है, हार्मोनिक चेंजेस आती है और उस चेंजेस की वजह से बच्चों के अंदर एक प्रकार का अलग भावनाएं पैदा होती हैं, अलग प्रकार की सोच और अलग प्रकार का वो महसूस करते हैं, जिसके कारण वो गलत रास्ते में कई बार भटक जाते हैं। उस चीज़ को शेयर करने के लिए उस समय उनके पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, कई बार देखा कि बच्चे का बिहेवियर ही बदल जाता है, पेरेंट्स इसको नोट करते हैं। जब बच्चे 14 साल के हो जाता है उसके बिहेवियर में बहुत बड़ी चेंज आती है। तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है हमारी हारमोन्स पर डिपेंड करता है। उस प्रकार उस समय बच्चों के माता पिता का क्या ये योगदान होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और उनके जो खासकर जो टीचर्स हैं उनका क्या योगदान होना चाहिए, कैसे बच्चों को एक सही दिशा देकर एक पॉजिटिव ऊर्जा को उनके अंदर संचार करें, ताकि वो अपने भविष्य की ओर, ताकि वो अपने एम्स की उसको प्राप्त कर सके। ताकि हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है, नई पीढ़ी को उसके भाग बनाना है। साथ साथ एक उद्देश्य ये भी है कि हमें इन नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, उनकी जो प्रतिभाएँ हैं, उनका आकलन करके इनको ये स्टेज मुहैया करके हमारा जो दूसरी जो कलाकार बेस्ट देश में, इस प्रकार के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के, अगर कलाकार मंच में वो जाते हैं तो भी अपना वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चुन सकते हैं। और इस प्रकार मैं समझता हूँ दोनों दिशाओं में हमारे कार्यक्रम सार्थक रहे।